अगर मान लीजिए रेट फाइनल कर भी लिया फिर भी उसके बाद भी अगर आप बता देते हैं कि घनश्याम जी के चैनल के नाम से है, क्योंकि सर उनको बचाने भी तो होता है, पंच भी तो बतानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं 5 का डिस्काउंट आप यहाँ से ले सकते हैं, मशीन अच्छी होती है, ज्यादातर जो है एक साल का गारंटी रहता है। आपको पता ही है कस्टमर, सारे हेड स्टॉक स्टील के गियर होते हैं सारे। अच्छा, ये आप देख सकते हो सारे हेड स्टॉक स्टील के गियर हैं, डमरू है, कानपुल है वगैरह, सारे जो गियर हैं हेड स्टॉक में जो डलते हैं सारे स्टील के हैं। हमारे इन हाउस अंदर सारे कटिंग होती है। इसमें ये सेमी नॉटन गियर बॉक्स है, आप देख सकते हो उसके गियर सारे स्टील के डाले हुए हैं, हार्डनेस करवा के सारे स्टील के गियर्स डाले हुए हैं, आप देख सकते हो बहुत बढ़िया। देख सकते हो जो लेस मशीन के हैंडल वगैरह होते हैं, इसे भी बना रहे हैं हम, अपने अंदर ही बना रहे हैं, सारा काम हम अपने अंदर मशीनों में करते हैं सर। ठीक है, तो सर अभी क्या दिखाएंगे आप इसमें? हाँ सर, ये मेरा मतलब इन हाउस जो मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है सारा, लेस मशीन जो भी रेडी हो रही है, तो यहाँ सारा जो छोटा मोटा काम सारा। ये लंबी ज्यादातर ये 12 फीट है, ये हमारा लाइट वेट काम के लिए है। आइए आराम आराम से आइए। इसका ज्यादातर सर बड़ी बड़ी मशीन बनती है, बड़ी मशीन की लेंथ बनती है 12 फीट 16 फीट 20 फीट सारा। हे दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं पंजाब बटाला, और एक बार सबसे दोबारा मुलाकात करेंगे, कंपनी के ओनर से बात करते हैं। नमस्कार सर, राम राम, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, पंजाब जी कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। एक बार हमारी ऑडियंस को सर बताइए, बहुत सारे लोग तो जान रहे हैं सर आपको, बहुत सारी कॉलें भी आई होंगी। बिल्कुल सर, एक बार अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम बताइए। मेरा नाम रविंदर शर्मा जी, और ये हमारा लवली लेथ उद्योग का फैक्ट्री है जी। आज आपको मैं सारा लेथ मशीन का मैन्युफैक्चरिंग सारा अच्छे ढंग से दिखाऊंगा। ओके, अब घनश्याम जी की वीडियो पे चैनल पे पहले भी मेरा वीडियो बहुत बार डल चुका है जी, जी, और अच्छा रिस्पांस आ रहा है सारा। पैन इंडिया में कॉल जो है कहां कहां से आ रही है आपके पास? पैन इंडिया आ रहा है सर, साउथ से लेके कोलकाता में सारे ईस्ट साइड से सबसे आ रहा है, पैन इंडिया से कॉल आ रहा है जी। तो सर आज जो है कवर करेंगे, कौन कौन सी मशीन कवर करने वाले? आज हम स्टार्टिंग से कवर करेंगे, पहले इसको शेपर मशीन को कवर करेंगे। बताइए, ये हमारा शेपर मशीन है 42 इंच की साइज का है। ओके, इसकी चाल 42 इंच लंबी चलेगी। ठीक है, ये सारा कास्टिंग का होगा, इसमें गियर भी सारा स्टील का डलेगा, गन मेटल के इसके बुश डलेंगे, सारा हैवी ड्यूटी होगा सारा। ये इसी का पार्ट है जी, इसका पैर है, फुट है इसका, जिसको ग्रुप है, ये सारी चीजें हाँ, जी सर। तो अगला कौन सा मशीन दिखा रहे सर? अभी आपको ये लेथ मशीन दिखाने लगा हूं मैं आपको। 12 फीट लंबाई है सर इसकी? ये 12 फीट पूरी लेंथ है इसकी कंप्लीट। अच्छा हाँ, 12 फीट लंबाई है जी जी। अपने पास ज्यादातर सर बड़ी बड़ी मशीन बनती है, बड़ी मशीन की लेंथ बनती है 12 फीट 16 फीट 20 फीट सारा। ये लंबी ज्यादातर मशीन, ये 12 फीट है, ये हमारा लाइट वेट काम के लिए है। आइए आराम आराम से आइए। इसका देखिए 12 फीट पूरी लंबाई है। ओके, विड्थ इसकी बेड की है 20 इंच और 18 इंच इसका सेंटर हाइट है। अच्छा, ये वाला हाँ, इसमें हमारा छोटा काम भी कर सकते हैं, बड़ा काम भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा कलकत्ता साइड में बहुत बिकता मशीन है वाला। इसमें जो मटेरियल आपने यूज किया है क्या बोलेंगे इसे? इसको ये इसका सीए कास्टिंग का बेड होता है, ये तो कास्टिंग का हो गया। इसमें जो गियर आते हैं सारे, आइए धीरे से दिखाइए आराम से। इसमें जो गियर आएंगे सारे स्टील के आएंगे, इसमें सेमी नॉटन गियर बॉक्स में भी गियर स्टील के हैं, साइड बॉक्स में भी गियर स्टील के हैं, इसमें देख सकते हो। बाकी क्वालिटी बेड वगैरह हार्डन किया होता है सर हमने। बाकी ये सर थोड़ा सा बताना, ये सारी चीजें क्या सिस्टम लगा हुआ है आपने यहाँ पे? इसमें देख सकते हो कि ये सेमी नॉटन गियर बॉक्स है। ठीक है, अभी आजकल चलते हैं कि फुल नॉटन गियर बॉक्स में। इसमें ये रहता है कि हमें गियर पीछे से चेंज करने पड़ते हैं। अच्छा, सेमी नॉटन गियर से है, सेट में पीछे गियर चेंज करने करते हैं चाल के लिए हमारे। दिखाइए और यहाँ से दिखाइए आराम से। ये सेमी नॉटन गियर बॉक्स है, ये जो है पीछे गियर लगाने पड़ते हैं इसके, और ये सेफ्टी के लिए दे रखा आपने? हाँ, ये सेफ्टी कवर होता है, ये आप ऐसा लगा सकते हैं जी। इसका 5 इंच स्पिंडल होलो है, स्पिंडल का माल भी थिकनेस पूरी रहती है। एक बार दिखाइए थोड़ा पास करके, हल्का सा धीरे से आइए जी। तो ये रनिंग में है सर आपकी ना? हाँ। तो सर जैसे कोई मशीन आपसे ले जाता है तो चला के दिखाते हैं आप? बिल्कुल सर बिल्कुल, ये देखिए डॉग चेक वगैरह फिट किया हुआ है इसको सारा, सारा कंप्लीट चला के दिखाएंगे, कंप्लीट चला के दिखाएंगे इसको, मोटर वगैरह फिटिंग करते हैं सब। प्राइस बताना चाहेंगे या क्या क्या करना पड़ेगा? प्राइस इसका सर 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख। हाँ, इसका अगर सर कोई वगैरह सब एक्स्ट्रा रहेगा। बाकी सर इस वीडियो में कुछ ऑफर रखा है आपने? सर ऑफर आपको पता ही, आपके चैनल पे जैसे आप कॉल करते हो 5000 डिस्काउंट करते हैं हम। कितना दे रहे हैं डिस्काउंट इस बार? सर 5000 डिस्काउंट करें। बताइए वहाँ पे ऑडियंस को, घनश्याम जी के चैनल से जो भी आएगा हमें कॉल करेगा उसको 5000 डिस्काउंट आएगा मशीन के ऊपर। क्या बताना पड़ेगा सर उनको? घनश्याम 50 कोड लगाओ। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, ये जो है हमारी जो है मशीन है, और इससे बड़ी बड़ी मशीन सर बनाते हैं। हाँ, आगे का वो देखो। तो दोस्तों आइए बात करते हैं जो मशीन में जो स्टार्टिंग होता है सर, ये स्टार्टिंग का है ना कुछ सैंपल? हाँ जी सर, आप देख सकते हो ये 20 फीट का लेंथ है मशीन का। ओके, इसका ये कास्टिंग होकर बेड आया हुआ, प्लेनर होकर सर। ठीक है, इसके बाद इसकी लैपिंग वगैरह होगी स्लाइड की सारी पूरी। लैपिंग बोले तो सर ये सफाई वगैरह कुछ ऐसा होता है? हाँ, सफाई होता है, स्लाइड इसको बैठाते हैं ना हम जब ऊपर, जैसे उसका आप देख सकते हो ये स्लाइड के ऊपर रखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल नाट सारी आ जाएगी ऊपर, लैपिंग करते हैं पूरी स्केपर के साथ। हमारा ये नहीं रहता कि ग्राइंडर के साथ स्क्रैपिंग करनी है, उसके साथ स्केपर के साथ करते हैं स्क्रैपिंग वगैरह। जो मशीन सर आपकी वैसे जो चलती है कितना लाइफ, कितना लाइफ? सर इसकी लाइफ लॉन्ग गारंटी रहती है सर, 20-25 साल दिन भी होता कुछ नहीं है। बिल्कुल सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये स्टार्टिंग का सर ढांचा है। हाँ, ये 20 फीट का लेंथ है इसमें, 24 इंच की विड्थ ऑफ है, 22 इंच का सेंटर हाइट होगा। और एक ये भी है सर अपने पास, ये सर 12 फीट है उसका, सेम साइज जितना ही सेम है ये वाला। हाँ, सेम है बिल्कुल सर।
और ये जहाँ कहाँ रहा है, ऑर्डर कहाँ का है आपके पास? सर ये राजकोट का मशीन में जाएगा, ये ये प्लाईवुड की फैक्ट्रियों में जाएगा। इसमें बड़े रोलर होते हैं जो लकड़ी के काम के लिए, प्लाईवुड के लिए जी, वो टर्न होते हैं, इस पे ग्राइंड होते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सर ये कितने फीट की है अपने पास? सर ये हमारी आती है लेथ मशीन 6 फुट की। ओके, ये हमारे रहता है प्रोडक्शन के काम के लिए छोटी मशीनों में जी। इसमें हमने बुश वगैरह को बनाना हो, किसी ने बेरिंग का काम करना हो, कोई मोटरसाइकिल रिपेयर का काम करना हो, व्हील घुमाने हो, ये उसके लिए पर्पस के लिए मशीन आता है। ये ज्यादातर ये जो जैसे छोटे छोटे वर्कशॉप होते हैं ये यूज करते हैं? बिल्कुल सर, वर्कशॉप चाहे बड़ा हो छोटा हो, ये 6 फुट तो लगेगा ही लगेगा सब में। अच्छा, 6 फुट लगेगा, क्योंकि छोटा काम प्रोडक्शन के लिए हम बड़े 20 फुट में तो बनाएंगे नहीं बनाएंगे, है ना। छोटा काम जैसे मोटरसाइकिल का रिपेयर करना है, कुछ इंजन का काम करना है, वॉल्व करने हैं, ओके, ग्राइंडिंग करनी है, सब इस पे काम होगा 6 फुट और 8 फुट में। सर जैसे इसमें जैसे आपका 6 फुट है, इसमें एक लेबर लगेगी? बिल्कुल। और बड़े में भी एक लगती है, इसमें ज्यादा लगती है? क्या जी, जैसे इसमें एक लेबर लगा, हाँ एक ही लेबर काम कर लेगी? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी में भी लेबर एक काम करती है, एक ही करेगा, एक ही काम करेगा। अच्छा, इस मशीन में आपको मैं दिखाना चाहूंगा, इसमें फुल नॉटन गियर बॉक्स है हमारा, ठीक है, कि इसमें हमें पीछे जैसे उसके पहले आपने को दिखाया था सेमी नॉटन गियर बॉक्स, दिखाई गई एक बार? हाँ, ये फुल नॉटन गियर बॉक्स है, इसमें हमें गियर आगे से लीवर से चेंज करना होता है, पीछे से गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। अच्छा, आप देख सकते हो इसमें गियर्स लगे हुए हैं, इसको एज इट इज लगे रहेंगे, इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको हमने आगे लीवर से सिर्फ चेंज करना होता है। ओके, इसकी स्पीड वगैरह सब आगे से चेंज हो जाएगी। अब इसका बेड साइज कितना दिया हुआ आपने? इसका बेड साइज सर 14 इंच विड्थ ऑफ बेड है और 12 इंच सेंटर हाइट है इसका। इसका हमारा ये रहता है कि हम डॉक चेक वगैरह सारा इधर ही फिटिंग करके, इसको डाई बोलते हैं ना, इसको डॉक चेक बोलते हैं। डॉक चेक, हाँ, इसमें हम कस्टमर इसमें जॉब वगैरह कुछ पकड़ने के लिए होता है, ये 4 जो है 3 जो भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर आपने क्या इसमें ग्रीस वगैरह लगा रखा है? हाँ, ग्रीस ये लोडिंग के लिए रेडी है ना। अच्छा, ये हाँ, माल डिस्पैच होगा? हाँ जी, माल डिस्पैच के लिए इसलिए ग्रीस वगैरह लगा के। एक मशीन सर ये अपने साथ में, इसके थोड़े बात बताइए इसके बारे में। ये भी सर हमारा 12 फुट में है मशीन, ये थोड़ा 12 फीट 22 बेड और 20 सेंटर में है, ये थोड़ा हैवी ड्यूटी आ जाता है। अच्छा, 12 फुट में, ठीक है। इसमें क्या है सर हिसाब किताब, इसका क्या है लंबाई चौड़ाई क्या है इसका? सर इसका 12 फुट पूरा बेड आएगा, 22 इंच इसका सेंटर आएगा। अच्छा, जो पहले मशीन दिखाया वो 20 इंच सेंटर में है, ये 22 इंच सेंटर में है, हैवी ड्यूटी मशीन है थोड़ा। जी, देख सकते हो सारा इसका लंबे काम के लिए कंपाउंड स्लाइड है जो हैवी ड्यूटी है सारा। जी, इसमें डॉक चक, इसमें ड्रम में भी गियर आ जाते हैं, कॉनकुली में भी गियर आएंगे। सर आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया। बाकी सिस्टम वही, पीछे वाला भी वही? बिल्कुल सर, बिल्कुल एज इट इज सारा सेम रहता है। ये है कि सबकी जॉब के हिसाब से अलग अलग सारी स्पेसिफिकेशन आ जाती है। बहुत बढ़िया। ये सर वो वहाँ पे क्या है? सर वो छोटी मशीन रेडी हो रहा है 8 फुट में, 24x22 आराम से। जी जी, बताइएगा सर इसके बारे में। ये कंप्लीट हो गया, अभी होने वाला है? सर अभी होने वाला है, अंडर प्रोसेस है, पाइपलाइन में अभी रेडी हो रहा है। इसमें ये रहता है कि किसी ने फ्लंच का काम करना हो, तो व्हील घुमाने हो सारे, जी जी, तो उसके लिए ये मशीन सूटेबल रहता है उनको, जिनकी लेंथ कम होती है, जॉब की लंबाई कम होती है, छोटे काम के लिए ये सही रहता है। बहुत बढ़िया। तो सर अभी क्या दिखाएंगे आप इसमें? हाँ सर, ये मेरा मतलब इन हाउस जो मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है सारा, लेथ मशीन जो भी रेडी हो रही है, तो यहाँ जो छोटा हो रहा काम सारा इधर होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है जी। जैसे जैसे जो काम होते हैं वो दिखा रहे हैं सर, दिखाइएगा सर एक बार। सर ये देखिए, जैसे उसकी क्रॉस स्लाइड है शेपर की, आपको दिखाया जो पहले 40 का शेपर रेडी हो रहा है, उसकी क्रॉस स्लाइड इधर पे बोर हो रही है सर, ठीक है। मशीन भी काफी अच्छी चल रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल, स्पीड में चल रही है, स्पीड में काफी। बहुत बढ़िया। इधर क्या हो रहा है सर? ये आप देख सकते हो जो लेथ मशीन के हैंडल वगैरह होते हैं, इसे भी बना रहे हैं हम अपने अंदर ही बना रहे हैं, सारा काम हम अपने अंदर मशीनों में करते हैं सर, ठीक है। इस साइड में पूरा अपना इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है? इन हाउस सर, कंप्लीट सारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, व्हील से लेके कोन पुली से लेके सारी शाफ्ट वगैरह सब अंदर ही बन रहा है सारी। यहाँ पे क्या कर रहे भाई तुम? ये कर यहाँ पे क्या काम हो रहा है? इसकी कान पुल की शाफ्ट बना रहे हैं, हेड स्टॉक में ना शाफ्ट फिट होती है वो बना रहे हैं यहाँ पे, ये शाफ्ट पे काम कर रहे हैं ये भी। तो सर यहाँ पे कितनी मशीन बन रही है अपने पास? सर मशीन ये देखो, आप देख सकते हो कि 16 फुट मशीन में हमारे पास ये रेडी पड़ा हुआ है पेंट के लिए जी। आप देख सकते हो इसका 5 इंच स्पिंडल होलो है, 16 फीट इसकी पूरी लंबाई है। इसमें जो आपने किया सर इसे क्या बोलते हैं? सर ये पेंट डाला हुआ है, मशीनिंग इंडस्ट्रियल पेंट होता है ये, ठीक है। मशीन के लिए लाइफ लॉन्ग बढ़िया रहता है, कुछ पानी गिरे कुछ भी गिरे इससे ये खराब नहीं होता सर। देखिए काफी अच्छी फिनिशिंग आप देख सकते हो सर, काफी अच्छी रहती है। हम ये नहीं है कि देसी पेंट यूज करना, कंपनी का पेंट यूज करते हैं हम। सर इसकी फिनिशिंग देख सकते हो, अपनी तस्वीर भी दिख रही है सर इसमें पेंट में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसमें ये सेमी नॉटन गियर बॉक्स है, आप देख सकते हो उसके गियर सारे स्टील के डाले हुए हैं, हार्डनेस करवा के सारे स्टील के गियर्स डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। बहुत बढ़िया। बाकी इसकी अगर लंबाई की अगर बात करें, सर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 16 फुट पूरी कंप्लीट लेंथ है। एक बार लंबाई दिखाइए। 11 और 12 फीट तक का जॉब इसमें हम इजीली बांध सकते हैं लंबाई का, जैसे रोलर वगैरह होते हैं। और ये डॉक चेक है सर लगाया आपने? ये डॉक चेक 24 इंच का लगा हुआ है सर। तो ये पन्नी अभी क्यों लगा रखा है सर? सर इसको पेंट के लिए जब लगाते हैं इसको डॉक चेक फिट ही रहता है ना, ठीक है, कलर वगैरह फिर दोबारा इसलिए सेफ्टी के लिए लगाया। अच्छा, पेंट के टाइम पे इसको कवर अप कर देते हैं। ओके, हाँ
इसके भी सारी डिस्पैच होता है तभी इसमें पन्नी लगा के भेजा जाता। हाँ बिल्कुल सर, सारा कवर करके रैप करके ग्रीसिंग लगा के सारा कार्टून में जाता होगा ना, कार्टून में भी भेजते हैं। ट्रेलर स्पेशल लगाना हो सीधा डायरेक्ट गाड़ी में। अच्छा अभी भेजते हैं स्पेयर पार्ट्स, अभी अभी स्पेयर पार्ट्स अंडर प्रोसेस है, अभी ये जोड़ रहे हैं मशीन को, निकल के गया हुआ माल बहुत बढ़िया। बाकी एक अपना जो है यहाँ पे भी पीस, ये 10 फुट में मशीन रेडी हो रहा है इसका, आप देख सकते हो बेड फ्लेम हार्डन किया हुआ, इंडक्शन हार्डन जी। बहुत बार लोग बोलते हैं कि बटाला में इंडक्शन हार्डनिंग नहीं होता, मैं उनको दिखाना चाहूंगा कि सारे इधर प्रोसेस इंडक्शन हार्डनिंग करते हैं। दिखाई बकायदा हम पूरा इसमें टेस्ट करके आप देख सकते हो इसका डाला हुआ है, बहुत बढ़िया जी, हार्डनेस करके नंबर डाल। तो दोस्तों आइए, जो है सर का जो है एक और गोदाम है जहाँ पे वर्क वगैरह होता है। सर यहाँ पे क्या करते हैं आप? सर ये हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इसमें हमारा स्पिंडल वगैरह जो सब कुछ अंदर ही ग्राइंड इन हाउस ग्राइंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो स्पिंडल का जो साइज है कितना लंबा स्पिंडल है। ओके, सब हम अंदर ही जो बेरिंग डालते हैं इसमें ड्रम में या पुली में जो भी है वो सारा अंदर ही हम ग्राइंड करते हैं। ठीक है, और आगे भी मशीन लगी हुई है सर? हाँ ये जो हमारे हेडस्टॉक के स्टील के गियर्स होते हैं सारे। अच्छा, ये आप देख सकते हो सारे हेडस्टॉक के स्टील के गियर्स हैं, डमरू है, कानपुल है वगैरह, सारे जो गियर्स हैं हेडस्टॉक में जो डलते हैं सारे स्टील के हैं। हमारे इन हाउस अंदर सारे कटिंग होती है। ओके, हमारा कोई भी जो भी काम है सारा इन हाउस होता है, हम कुछ भी नहीं बाहर से करवाते हैं, सारा छोटे से छोटे पेज से लेकर बेयरिंग वगैरह सब मतलब इन हाउस ही करते हैं सारा काम। बाकी इधर इस मशीन में क्या हो रहा है? ये जो गियर में हमारे रोलर डलते हैं, छोटी गियर डलते हैं, वो भी हम अंदर ही काटते हैं। ठीक है, बड़े से लेकर छोटा गियर सारा काम अंदर। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं सर के शोरूम पे जहाँ पे दिखाएंगे कुछ मशीनें जो है रेडी है, रेडी मशीन जो हमारा है उधर पड़ा हुआ, हम शोरूम में जाके आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कितना स्टॉक है, कौन कौन सी मशीन है, तो वहीं पे चल के आप वीडियो नेक्स्ट शूट होगी। तो दोस्तों आइए, कुछ मशीन यहाँ पे भी हमारे पास है। सर यहाँ पे कैसे क्या सिस्टम कर रखा है? सर ये हमारा जो फैक्ट्री में मशीन रेडी होके आता है हम इसको इधर रख लेते हैं क्योंकि ये हमारा। तो दोस्तों आइए, कुछ मशीन यहाँ पे भी हमारे पास है। सर यहाँ पे कैसे क्या सिस्टम कर रखा है? सर ये हमारा जो फैक्ट्री में मशीन रेडी होके आता है हम इसको इधर रख लेते हैं क्योंकि ये हमारा अमृतसर रोड पर शोरूम पड़ता है बस स्टैंड के पास में ही जी। इसमें आप देख सकते हो ये हमारा 12 फीट मशीन है, डबल गैप में है, 20 बेड है, 18 सेंटर है। इसकी क्या खासियत है? इसका बोर हम चेंज दे रहे हैं। आइए थोड़ा पास आइए हल्का। हाँ, आप देख सकते हो इसका बोर चेंज है। इसमें क्या है कि खुले बोर में हमारा कोई काम रहता है जैसे शाफ्टों का काम रहता है 4 इंची 5 इंची शाफ्टों का जी, तो इसमें बड़ी लेंथ की शाफ्ट में इजिली काम हो सकता है, किसी ने चूड़ी डालना है कुछ काम कोई भी करना उसमें हो सकता है। इसमें भी सारे ड्रम वगैरह, इसमें बैरिंग है स्टील का सारा सेट जो भी इसमें हम डालते हैं, वी बेल्ट डालते हैं, कंपनी का डालते हैं, पैनर का, इको ड्राइव का। कौन सी कंपनी का बताया? ये इको ड्राइव का है। अच्छा, हाँ मतलब बढ़िया ब्रांड का। इसकी लाइफ कितनी रहती है सर? लाइफ इसकी 2-3 साल आराम से चलता है। बाकी इनके समय क्या रहता है कि जो ऑपरेटर होता है उसको भी चलाना आना चाहिए मशीन, ऑयलिंग वगैरह साफ करे अच्छे ढंग से, ग्रीसिंग वगैरह। एक्स्ट्रा भी देते हो क्या आप इसके साथ? नहीं सर एक्स्ट्रा नहीं देते क्योंकि फिटिंग होता है बीच में, जब टूटेगा तभी निकाल के डालना पड़ेगा। वो तो वहीं पे उनके लोकल जगह से मिल जाएगा, मिल जाता है सर, इजीली मिल जाता है। बाकी ये अपनी कितनी लंबाई बताइए? ये 12 फीट टोटल लेंथ है, डबल गैप में है। इसका हम ये गैप खोल के भी अगर किसी ने बड़े डाई का जॉब घुमाना है हाँ। तो इसका हम एक गैप खोल देते हैं तो ये पूरा 18 सेंटर तो ये आ गया, कम से कम 9 इंच का ये भी होता है इसका। अच्छा, 18 और 9 हो गया हमारा, 27 इंच तक का इसका आराम से बड़े इजिली घूम सकता है। बहुत बढ़िया, 53 इंच का जॉब इस पे घूम सकता है इजिली। बाकी एक मशीन सर इधर भी रखी है। हाँ, ये हमारा 10 फुट में मशीन फुल नॉटन गियर बॉक्स में, आप देख सकते हो ये फुल नॉटन गियर बॉक्स है, 10 घर का है। इसमें हम एमएम की चूड़ी डालें चाहे इंची की चूड़ी डालें, ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, आजकल लोग जो पसंद कर रहे हैं वो बोला है। ठीक है, इसमें क्या खासियत बात है, 18-16 में इसका बोर हमने 7 इंच दे रखा हुआ है। इसका माल भी पूरा है पाइप का और देख सकते हो बोर भी इसका 7 इंच का है। अच्छा जी, इसमें भी शाफ्ट वगैरह काम है, कोई फ्लंच वगैरह घुमाना है जो भी घुमाना है इसमें घूम सकता है इजिली। बहुत बढ़िया, कई होते हैं कि चीजों की इसी की 6 इंच लंबी पाइप है वो पीछे से स्पिंडल से डाल लेता है 16 फुट, जैसे ये 10 फुट में 16 फुट का भी काम हो सकता है, पीछे से इसके स्टैंड लग बन जाता है। ओके, हाँ वो पाइप के पीछे स्टैंड बन जाएगा रोलर की तरह और जितना मर्जी चाहिए आगे काम कर सकते। बाकी यहाँ पे अपने पास शेपर भी है। हाँ, ये देख सकते हो हमारा 30 इंच का शेपर मशीन है। हाँ, ये 32 इंच चाल का शेपर है। ठीक है, इसमें हमने गन मेटल के बीच में गुटका डाला हुआ है जो इसकी गियर है अंदर, बाजार में कोई भी नहीं इसकी देख के, सभी देख के डालते हैं, हम स्टील की डालते हैं। बाकी सर शेपर का मेन काम क्या रहता है? क्या काम शेपर का मेन काम रहता है? प्लेनिंग के लिए होता है, जैसे छोटे पुर्जे वगैरह जो भी होना है चाल इसके इसके ऊपर रखे उस पे काम किया जाता है, स्लैट पे काम काम करते हैं। बहुत बढ़िया, बांग भी इसके साथ हम देते हैं, कई लोग बांग के एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। इससे छोटी बनती है या इसमें छोटी भी बनती है? 24 इंच का, 18 इंच का, चाल के ऊपर डिपेंड रहता है। अब ये कितना है सर? इसका 30 इंच है, इसकी 30 इंच आगे चाल चलेगी, 32 इंच तक की चाल चलती है। नॉर्मल फैक्ट्री में यही यूज होता है सर, प्लांट में जैसे भी। बाकी एक मशीन यहाँ पे भी अपने पास, एक ये मैंने आपको उधर दूसरी फैक्ट्री में जैसे दिखाया था 8 फुट 24x22 का छोटी मशीन में। हाँ, इसमें यह कह रहा था कि किसी ने वो डाया घुमाना, किसी को व्हील घुमाने, जैसे बैंड से व्हील होते हैं या जो बड़ी प्लेटें होते हैं, जैसे हमारे एमपी में बिलाई में काफी मशीनें ये लगी हुई हैं 8 फुट 24x22 में। हाँ, काफी बिक्री होती है उसकी। बाकी एक लेथ मशीन ये भी अपने पास है? ये हमारा सर वुड टर्निंग लेथ है,
ये लकड़ी के काम के लिए आता है, लकड़ी के काम के लिए वो टर्निंग लेता है इसमें, लकड़ी के काम दस्ते वगैरह बनाने हो, ये काम करने हो छोटे मोटे सारे, ड्रिल भी रखते हैं। हाँ ड्रिल भी हमारा रखता है सर। हमारी फैक्ट्री में आपको ये खासियत बात है कि आपको हाइड्रोलिक प्रेस से लेके वेल्डिंग मशीन सभी छोटी मशीन जो भी प्लांट में सारी मशीनें चाहिए होती है ना जी। तो सर बहुत अच्छा लगा, सारी जानकारी आपने हमारे चैनल के माध्यम से एक एक करके हमारे ऑडियंस को दिया है। सर लास्ट में जो ऑडियंस आपको देख रही है कुछ कहना चाहेंगे सर? ऑडियंस के लिए मेरा ये मैसेज है कि जैसे भी पहले आप इतना प्यार दिया मेरी वीडियोस को, इस वीडियो को भी आप प्यार दें बिल्कुल। और पैन इंडिया जैसे भी हमारा रहता है कम्युनिकेशन कर रहता है, हमारा ऑर्डर वगैरह इजीली जाता है सारे बिल्कुल, उनके लिए मैं थैंक यू करना चाहूंगा कि जैसे इस चैनल के माध्यम से मेरे को कस्टमर प्रोवाइड हो रहा है, आपकी भी हेल्प हो रही है सारी। मैं कस्टमर से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे किसी ऑर्डर को देते हैं उसको बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। बाकी सर हमारे मैन्युफैक्चरिंग में इंजीनियरिंग जो कॉलेज है इंडिया के जी जी, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? इंजीनियरिंग कॉलेज को मेरा यही कहना है कि जैसे बढ़िया इक्विपमेंट्स उनको स्टूडेंट्स को जो रहे हैं वो प्रोवाइड करें ताकि ब्रिलियंट माइंड आगे निकले। वहाँ पे भी लेस मशीन तो यूज होता है? बिल्कुल सारा सेटअप होता है, जैसे एचपी में मेरी मशीनें लगा हुआ है, ओके बैंगलोर भी साइड में, क्राइस्ट में भी मशीनें लगा हुआ है। तो कोई अगर कॉलेज वाला अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है, अगर वहाँ का कोई वगैरह देख रहे हैं तो वो भी जो है यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। कॉलेज में भी माल जाता है इनका, बल्क में जाता होगा 10 बिल्कुल सर 15-20 ऐसे ही माल जाता होगा। बाकी सर आपने क्या डिस्काउंट रखा है हमारे सर? इस चैनल से आपको जैसे बताया था पहले भी, आपके चैनल से अगर कोई मेरे को कॉन्टेक्ट करेगा तो 5000 डिस्काउंट देंगे। पर कई बार क्या रहता है कस्टमर पहले ही में से डिस्काउंट काफी ले लेते हैं, है ना? अच्छा हाँ, तो इनकेस ये रहता है कि कई बार कस्टमर को प्राइस ही वैसा दिया जाता है जिसमें कई बार डिस्काउंट का नहीं होता, पर आप फिर भी आपको चैनल पे आएंगे तो 5000 उसको डिस्काउंट देंगे। अगर आपने सारी चीजें मान लीजिए अगर कर भी लिया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? नहीं कोई बात नहीं सर। अगर मान लीजिए रेट फाइनल कर भी लिया फिर अगर आप बता देते हैं घनश्याम जी के चैनल के नाम से है, क्योंकि सर उनका बचाने भी तो होता है, पंच की तो बचानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं 5 का डिस्काउंट आप यहाँ से ले सकते हैं, मशीन अच्छी होती है, ज्यादातर जो है 1 साल का गारंटी रहता है, आपको पता है कस्टमर सारे सेटिस्फेक्शन। 6 फुट 7 फुट की जो है डायरेक्ट, 6 फुट 8 फुट 10 फुट 12 बिल्कुल। बाकी सर अगर कोई विजिट करना चाहता है अपनी फैक्ट्री में तो कैसे विजिट करेगा? सर विजिट करना चाहता है सर, मेरा जो शोरूम है ये बस स्टैंड के बिल्कुल पास है, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है। इनके साथ आपने अमृतसर से बाय फ्लाइट आना तो हम उधर से आपको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।